हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता किचन। और मैं आपको आज एक पाइनएप्पल की सब्जी बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। डेली एक नई वेज रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल श्वेता किचन को यहाँ लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए ये बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। चलिए, इसे बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए ये देखिए। मैंने एक बाउल ये पाइनएप्पल लिया है जिसे मैंने बारीक पीसेस में काट लिया है। ये आप, मैंने केन पाइनएप्पल यूज कर रही हूँ, आप इसको फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। दो मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने छोटा छोटा काट के रखा हुआ है। 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर या डेसिकेटेड कोकोनट, ये थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर जिसे मैंने धो के रखा हुआ है, 1 टीस्पून सॉल्ट या इसके आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 2 टीस्पून सांबर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें उड़द दाल और चना दाल लिए, 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 1/2 टीस्पून चना दाल, 5-6 करी पत्ता, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 चुटकी हींग और थोड़ी सी ये मैंने इमली ली है। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है। इसे बनाने के लिए देखिए, मैं कढ़ाई में सबसे पहले ये तेल डाल देती हूँ। तेल गर्म होने के बाद में हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। देखिए, मैंने ये कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद में मैं इसमें हींग, ये मस्टर्ड सीड, ये उड़द और चना दाल इसको डाल देती हूँ। और थोड़ा सा इसको हम चने की दाल को, उड़द की दाल को थोड़ा सेक लेंगे। हल्का सिकने के बाद में हम इसमें कड़ी पत्ता और ये हरी मिर्ची और धनिया, ये हल्दी पाउडर इसको डाल के, जो ये टमाटर कटे हुए हैं इसको हम डाल देते हैं। टमाटर डालने के थोड़ा सा इसमें नमक डाल के इसको थोड़ा ढक के हम टमाटर गलने तक पका लेते हैं। चलिए, जब तक टमाटर पक रहे हैं तब तक हम एक और हमें पाउडर बनाना है, जिसको ये नारियल का पाउडर, ये सांबर पाउडर, बाकी का बचा हुआ नमक और ये इमली, इसको डाल के हम एक पेस्ट बना लेंगे। और थोड़ा सा इसमें पानी भी डलेगा, बट पहले थोड़ा सा इसको हम इमली को, ये साबुत रह जाएगी इसलिए हम ऐसे ही डायरेक्ट थोड़ा सा पीस लेते हैं। इसमें से थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पेस्ट बना लेंगे। देखिए, पिसके इस तरह से कुछ एक पेस्ट जैसा बन गया है। चलिए देखते हैं, अब हमारा ये टमाटर गल चुका होगा। अब इसमें जो हमने पाइनएप्पल लिया था वो पाइनएप्पल को डाल देंगे और इसको मिक्स करके थोड़ा वापस से हम 2 मिनट के लिए ढक के इसको पका लेते हैं। देखिए, पाइनएप्पल डालने के बाद में ये गल चुका है। अब इसमें हम जो हमने पेस्ट बनाया है ये इसको डाल लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा मुझे गाढ़ा दिख रहा है, मैं पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा और पानी डल जाएगा,
और इसको एक बॉयल आने तक हम कुक कर लेते हैं। ये देखिए एक बॉयल आ चुका है और ये हमारी सब्जी बन के तैयार है। चलिए इसे हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। इसको डाल लेते हैं। ये देखिए पाइनएप्पल की सब्जी बन के तैयार है। ये बहुत टेस्टी है, आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।